हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है आज मैं लेके आई हूँ मुरमुरा के लड्डू जो खाने में तो टेस्टी लगती है और बनाने में भी बहुत इजी है और मैंने कैसे बनाया आप लोगों को अभी दिखाऊंगी चलिए फिर बनाते हैं छटपट आप लोग देख सकते हो कितना सोने के जैसे चमक रही है मेरे लड्डू एक भी टूटी नहीं है बहुत ही गोल गोल बन चुका है चलिए फिर बनाते आज हम बनाएंगे चूल्हे पर देख सकते हो कितना अच्छे से आग जल रही है और कढ़ाई भी हमारा गर्म होगी इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ज़्यादा नहीं डालना है और मैंने ले लिया अच्छा वाला गुड़ गुड़ को भी इसमें डाल दूंगी और इसे हिलाते रहूँगी जब तक ये मेल्ट ना हो जाए गुड़ और इसे मीडियम फ्लेम में इसको पका रही हूँ ये आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से जालीदार ऐसे मतलब उबल रही है गुड़ तो इसी तरह चलाना है चलाते रहना है और मैंने मुरमुरा भी ले लिया मुरमुरा को अच्छे से चाँदनी से चांद लिया था क्योंकि रेत वगैरह हो सकता है इसीलिए तो इसको ऐसे हिलाते रहना है आप लोग देख सकते हो अभी तक तैयार नहीं हुआ और आग भी जल रही मीडियम फ्लेम में आप पानी में भी चेक कर सकते हो तो अभी तक ये तैयार नहीं हुआ है ऐसे हिलाते रहना है नहीं तो नीचे भी चिपक सकती है आप लोग देख सकते हो तो ये कितना अच्छे से मतलब कढ़ाई पे नहीं चिपक रही मतलब चिकना हो रही है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गई इसको अभी नीचे हम उतार लेंगे आँख से नहीं तो फिर जल जाएगी तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम मुरमुरा को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे पूरा गुड़ के साथ मुरमुरा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देख सकते हो तो मिक्स हो गई है और हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे क्योंकि गर्म रहता है और ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके दोनों हाथों की मदद से ऐसे गोल बना लूँगी ऐसे टाइट टाइट ऐसे दबा देंगे ताकि मुरमुरा जो है हमारा अच्छे से गोल बन जाए देख सकते हो ऐसे शेप दे देंगे मैं और एक दिखा रही हूँ थोड़ा सा लेना है आप छोटा बड़ा कर सकती हो मैं मीडियम ही कर रही हूँ देखने में भी सुंदर लगता है इसलिए तो इसी तरह मैंने पूरा मुरमुरा का लड्डू बना के तैयार कर लिया आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और इसमें तिल और अदरक डालने से और भी अच्छा लगता है बट मकर संक्रांति के दिन हम लोग तिल से पूजा करते हैं उससे पहले नहीं खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला आप लोग ज़रूर डालिएगा उसका इसमेल से बहुत ही टेस्टी लगता है और भी आप लोग देख सकते हो कि इतना कम समय में हमारा इतना सारा मु का लड्डू बन के तैयार होगी और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद